अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? तो जी, जैसे आप सबको पता, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा कि अनिया को फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जॉब मिल चुकी है। तो जी, मैं अनिया की जो सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेट तो मैं कर नहीं सका था कि अनिया को जॉब मिल गई, बिकॉज पेरेंट्स वे है एंड इट वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट फ्लावर्स और केक्स। और जब मैं गया तो अनिया फिर साथ ही, क्योंकि सारे दिन अनिया मेरे साथ ही होती थी, तो मेरे लिए जाना इतना इम्पॉसिबल था कि यू नो, मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि दो मिनट के लिए जाओ। तो हम मरी से वापस आ रहे थे, तो मैंने बोला कि अच्छा यार, मैं तुम्हें शाइन ड्रॉप करता हूँ। तो पता चला शाइन जी बंद है, डी वॉटसन बंद है, मुझे गवर्नमेंट कहने का रूल है कि सारी शॉप्स वगैरह बंद होंगी। तो आई एम लाइक ओके, किस्मत ही ख़राब है हमारी, हम क्या करें। तो अभी अनिया जिम मेरे साथ नहीं आई, अनिया वॉज वेरी टायर्ड, सो शी स्लेप्ट एंड आई टोल्ड हर कि मैं जिम जा रहा हूँ। तो जी, मैं जिम से तो फारिग हो गया हूँ, तो इसका मतलब है आई हैव बॉट सम टाइम। तो जी, अब ज़रा फूल भी लेते हैं, केक भी लेते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। अब लड़कियां जो होती हैं ना, वो थोड़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, बट यार आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि यू नो कैसे डेकोर करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। मेरी यू नो कैपेसिटी में जैसे होता है, लाइक आई ट्राई टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, बट लड़कों की एफर्ट लोगों को पता होती है कि क्या होती है। तो अभी मैं जिम से फारिग हुआ, मेरे जिम F11 में है, तो F11 में ही यहाँ पे आई एम गोइंग टू बर्निंग ब्राउनी नाउ। आई रियली होप कि खुली हो, अभी तो 10 बज रहे हैं, आई होप खुली होगी। तो वहाँ से ज़रा केक ले लेते हैं, लेकिन पूरा केक नहीं लेंगे, स्लाइस लेंगे, बिकॉज शी इज़ हैड लॉट एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू अर डाइट एंड ट्रेनिंग, कल से ट्रेनिंग भी करेगी। तो जी, वहाँ से वो लेते हैं बर्निंग ब्राउनी से केक का स्लाइस एंड देन लेट्स गो टू फ्लावर मार्केट इन F10। फूल लेते हैं, अब यार फूलों के नाम भी एक तो समझ नहीं आते, क्रिसैंथेमम्स एंड पता नहीं लिलीज एंड पता नहीं क्या, खैर शी रियली लाइक्स लिलीज, तो जाके देखते हैं कौन से मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं ट्यूब रोज एंड पता नहीं क्या था यार, मैं भूल गया हूँ। तो अभी जाके पता करते हैं कि कौन से इन हैं फूल, तो वो भी लेने हैं एंड लेट्स गेट सम अदर स्टफ एज वेल, बलून्स एंड स्टफ। सो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका स्लाइस मिल जाएगा एक स्लाइस, इसका मिल जाएगा, मटका भी नहीं मिलेगा, मटका मिल जाएगा। मट में क्या होता है? अच्छा, फिर आप चॉकलेट सुसाइड का दे रहे हैं एक स्लाइस, हाँ बस उसका उसका चॉकलेट मट का एक स्लाइस दे। तो जी, इतने छोटे केक के स्लाइस पे लिखा तो जा नहीं सकता, उन्होंने बोला HBD आता है, तो मैंने कहा HBD को है नहीं, तो ये जो बॉक्स है हम इसकी इस वाली साइड के ऊपर आई कैन राइट, तो मैंने कहा पेन दे दे, किसी भी लिख लेते हैं। थैंक यू जी, लिखेंगे कैसे इसके ऊपर, चले जैसे तैसे लिखते हैं। यार ये मेरा टेक्स्ट तो हो गया, आप इसके अंदर वो डाल दें, लिखें कुछ नहीं, आप ना पढ़ें यार, ये सीक्रेट है। ये लें, थैंक यू यार। ये तो बड़ा ऑफ सीन हो गया, पेन भी नहीं मिला, पेन नहीं एक्चुअली मार्कर नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, और स्लाइस पे लिखे नहीं जा रहा था, तो अब ऐसे ना लगे कि बस जान छुड़ाई है। आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ गॉट लकी, बंद शंदी करने वाले थे तो टाइमली पहुंच गए, लाइटें शाइटें तो बंद है बट आई होप दे ही देंगे। ये वाइट, ये अच्छा, इसके अलावा रोजेज हैं, रोजेज दिखाना जरा, पिंक वाले यार, ये क्रिसैंथेमम, हां येलो भी है, येलो क्रिसैंथेमम, जी जी, अच्छा ये यार कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं येलो रहने दो, ये कितने का है? ये सेम सर, क्रिसैंथेमम, ये अच्छा ये कर दो रेड, ठीक हो, वाइट, ठीक हो, और ये एक कर दो, ठीक हो गया, और इसमें एक एक कर दो जी, हाँ, और इसमें बेबीज ब्रेथ भी डाल दो, एक सेम बेबीज ब्रेथ, लेकिन ये यार ये मुरझाया हुआ है, नहीं नहीं वो नहीं, ये मैं करूंगा, अच्छा ये अच्छी वाली करूंगा, अच्छा ठीक है, सही लगेगा ये, नहीं एक ये सर आप ताकि एक सेकंड ये पकड़ो, ये वाइट वाली, चलो फिर ये लिली हटाओ, लिली हटा दूंगा, हाँ लिली हटाओ, क्रिसैंथेमम इसमें और लगाओ जरा, फेद वाले और लगाओ, वाइट क्रिसैंथेमम और है, और नहीं ये एक स्टैम्प पेपर, किसी के पास नहीं, खत्म सर, स्टॉक खत्म हो गए, ब्लैक में आ रहे यार, फूल भी पूरे नहीं है, क्रिसैंथेमम एक वाइट है, पर्पल एक लेना पड़ेगा यार, इसको फिर इस तरीके से आप लगाओ कि थोड़ा बेहतर लगे, बेबीज ब्रेथ, कितनी स्टेम्स कितनी दी यार, ये जितनी है ठीक है, पहले मुझे आप बना के दिखाओ ना ये साथ कर, ठीक है चले, थैंक यू बहुत शुक्रिया, चले जी रेस्ट करें फूल। तो जी, फाइनली डन विद द फ्लावर्स इज वेल। तो जो फूलों वाला लड़का था, छोटा सा बच्चा था, अराउंड आई थिंक 17-18 साल का होगा, वो मुझे कहता है कि ये तो आप यूट्यूब, आप ब्लॉगिंग करते हैं? मैंने कहा किस नाम से? मैंने कहा ये अलीम जबलोज के नाम से। देन ही लुक्ड एट माई पेज यूट्यूब प्रोफाइल, इज लाइक इस पे तो आप बड़े फनी लगते हैं, आप तो बड़े सीरियस आदमी हैं। मैंने कहा यार ऐसा ही हूँ, मतलब डिपेंड्स ऑन द मूड, अभी मतलब बहुत कोई हंसने का मूड नहीं है,
I'm like, you know, this is how I am. So very surprising to know that people also perceive me as serious. What do you think? Comments mein bataye. गुब्बारे आपके? अस्सलाम वालेकुम जी. यार ये जो बलून है ना, इसके जो बलून के अंदर बलून है वो वाले जी जी, वो चाहिए जो शाइन, जो शाइनी वाले होते मेटालिक. हाँ मेटालिक. कितने चाहिए? 10 दिन गाड़ी में आ जाएंगे. 10 आ जाएंगे, 10 के 60 पे आ जाएंगे. चले, नहीं चलानी भी है ना, नजर भी आए. चले दिखा दें जरा, कलर कौन सा है? ये सर दिखाएं, ब्लू में भी है. अच्छा सही है, पर्पल भी है. अच्छा और ये जो अंदर पिंक वाला है, पिंक और पर्पल करने. पांच पिंक कर दूं, पांच पर्पल कर दूं. हाँ ये सिल्वर वाला नहीं है? सिल्वर भी है सर. सिल्वर पिंक और पर्पल मिक्स कर दें, तीन कलर मिक्स. हाँ, तीन कलर मिक्स कर. मैं कह रहा हूँ बस देख लीजिएगा कि सालगिरह अच्छा लगे. ठीक है, ये पीछे डाल दें. यार ये कलर फर्क नहीं है जी? कलर फर्क नहीं है? नहीं नहीं, पिंक था पर्पल था, ये ब्लू कहाँ से आ गया? ब्लू तो नहीं है इसमें सर. ब्लू है इसमें, ये देखो तीन पर्पल. अच्छा अच्छा ठीक है, चार पिंक और तीन सिल्वर है. ठीक है ठीक है, ये नीचे धागा इसके साथ. ठीक है चले चले, ठीक चले, बहुत शुक्रिया. उमर से दरवाजा खुलवाया है, क्या नियो को ना बुलाना पड़े. ये नान भी ले लो उमर, वो ड्राइंग रूम में रखना बलून्स. केक कहूँ, केक का स्टोन दे दिया. हाय हाय, कर रही हो? ना मेरी स्किन केयर की ट्रे ना इनसफिशिएंट हो गई है फॉर माय स्किन केयर. ओवरलोडेड है, इनसफिशिएंट नहीं है. ओह वेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू. इज दैट्स बिकॉज़ तुम्हारी आधी से ज्यादा इसमें हो गई, जब मेरी थी ना सिर्फ तो कम. नहीं क्या फायदा हुआ यार, वो अम्मा की वीडियो एडिट करने लग गई थी ना. वाओ लिसन, आई गॉट समथिंग फॉर यू. व्हाट? कैन यू स्टे इन द रूम? वाह, उमर को बोला था लेके जाए, ये नहीं बोला था इस तरह लेके जाए. पता नहीं आगे जाते कि नहीं. आ गया. वाह, वेट भी नहीं लगा के दिया यार उसने. एक दिन लग लेते हैं. यार वेट्स भी नहीं लगा के दिए, दीवार से मैंने छलांग मार के ऐसे की. लिसन यार, वो सारी ना स्टेशनरी शॉप्स बंद हो गई थी, एंड आल्सो आई डोंट वांट यू टू गेट फैट, सो आई गॉट यू. व्हाट इज दिस? दिस इज हाउ आई लुक, इन केस यू आर वंडरिंग. There's a note, because I didn't find a card now. Smudge ho raha tha sara. What? Thanks. It's stuck in my hair. Yeah, it was stuck hair. Badi mushkil se hai ki hai. Mono kahan hai? Mono bahar hai. अभी तक नहीं लाए. या पटाखे बजेंगे. ये भी बोला इस पे क्यों लिखा? डोंट यू नो हाउ मच आई लाइक टू कीप स्टफ सेफ, हाउ एम आई गोइंग टू कीप अ बर्निंग ब्राउनी बॉक्स सेफ? गॉड ले, व्हाट इज माय चॉकलेट? यार नहीं मिला था ना मुझे कोई कार्ड शॉट, मैंने से पूछा भी, लॉकी से बंद हो गया था. टिश्यू पे लिख लेते. हाँ ताकि और स्मज होता. माय रूम लुक्स लाइक अ birthday party. Yeah, balloons. Sorry, I also got you something else. I forgot it in the car. What? Wait, leke aaya. Sorry. Wait. What is it? Eat now. I think it's mazak hoga. Nahi bhai. Phool to lena hi bhool gaya tha. गाड़ी में भूल गया था. Stop recording. What? Show me your face. Someone has become experienced in making bouquets. Really? Yeah. अच्छा. Color combo and all. पता चल गया इसको. Hey.
कट इट विद अ स्पून। ब्रूनोस में चॉकलेट है, तुम्हें नहीं दे सकते, सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू। टू गिव मी, नो आई ऑलवेज यूज फॉर मेहरबानी। यार इट्स सो गुड, इट्स बहुत ही मजे का। आई गॉट इट फॉर 10 9 फूलों की एक दुकान, अगर आप लोगों को खरीदना हो तो हमारे घर से आप खरीद सकते हैं। 1, 2, 3, 4 वो 5वीं और वो 6वीं है, 7 है टोटल। कितने? 7। I wrote a cute note for you there, let you see. Yes, इस पे चॉकलेट लग चुकी है। तुम्हें पता बर्निंग ब्राउनी वाला पढ़ने वाला था, पढ़ रहा था। मैंने उसको दिया कि इसमें डाल दें, तो इसलिए मैंने कहा सीक्रेट है यार। उसकी हैंडराइटिंग, तुम्हारी हैंडराइटिंग उसको वैसे भी समझ नहीं आने दी। गाइस अगर आप मेरी कभी हैंडराइटिंग देख लेना, ऐसा लगता है कोडिंग की हुई है। आप कभी नहीं पढ़ सकते साल भर में तो। अच्छा चलें एक थोड़ा सा पार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा मुशी मुशी है, थोड़ा सा पार्ट दिखाता हूँ। आपने बताना है कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। I'm pretty sure they won't even be able to read what's written. Okay. बताएं आपको नजर आ रहा है, पढ़े जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में Do you think they can? Maybe कुछ छात्र लोग हो। नहीं यार, I'm sure lot of people can. To get up for work. दोपहर को 2 बजे उठने वाली औरत को सुबह कितने बजे जाना होता है? 6:30 बजे उठती हूँ and 7:30 I've left the house. Good luck honey. पता है आज guys मेरे साथ क्या हुआ? मेरे जो project manager है उन्होंने मुझे कोई 2 बजे के करीब बोला कि चलें आज आपका first day था, आपके लिए बहुत हो गया है, break लें जाएं. And enjoy yourself. And I thought he meant कि घर आ जाओ, मैं घर पहुँच गई। घर पहुँची तो फ़ोन आया कि आ जाए कॉन्फ्रेंस रूम में। I was like for what? He's like for the meeting. मैं तो घर पे हूँ। Didn't you ask me to leave? And then he started laughing. He's like नहीं नहीं वो misunderstanding हुई थी, चले कोई नहीं कल से आ जाएगा। पहले दिन leverage दिए, don't do this again. Obviously not. Like I'm still so embarrassed, even though he laughed about it, I'm still so embarrassed. Drawing karna band karo, soye. Oh no. Can you please sleep and put this away? Kab se to main tumhe bol rahi hu. Guys, iPad lene ka na medical ko koi fayda nahi hua. Ye jo ma'am hai, inhone ye karni hoti, drawing karni hoti hai. Abhi paint nahi hogi, drawing. Acha fine, acha ho jayegi. अब रखो, एडमिट करो। हाँ हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। वेरी ग्रेट, बहुत अच्छी हो जाएगी। यार सुबह उठना है ना गाइस, ये देखें टाइम, दिस इज लाइक 1:38। अनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनिया को जब मैं बोलता हूँ ना कुछ तो अनिया फौरन सुनती नहीं है, फिर बाद में अनिया एग्री भी करती है कि सही कह रहे थे, तो केक कट गया, सब कुछ हो गया, सारे काम भी हो गए, बट शी इज नॉट स्टॉपिंग। क्या किया मैंने डिले? ओ माई गॉड, गो है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं भी कोशिश करूँगा मैं अपनी रूटीन ठीक करूँ, और इनको तो करानी ही करानी है, वरना अगेन स्लीप डिप्राइव्ड होकर जाएंगे अब। और मुझे ना ये कश्मीर आई पे फ़ोन करती हैं, मुझे कहते अली प्लीज़ मेरे से बात कर लो, मेरी ना आँख लग रही है, मैं गाड़ी यू नो चलाते चलाते बिल्कुल मरने से बची हूँ। आई एम लाइक वाओ, ओके, लाइक नॉट लिटरली, नो, हो गया स्नैचिंग, गो टू स्लीप। चलेंगे आज आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।